और आज का दिन भारतीय बाजारों के लिए बेहद अहम है और चार बड़े फैक्टर्स जो आज बाजार की चाल पर असर डालेंगे वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो जो संकेत आज मिल रहे हैं स्पेशली अमेरिकी बाजारों से वो बहुत अच्छे हैं। तीनों ही अमेरिकन इंडाइसेस करीब 1 से 1.5% की तेजी के साथ बंद हुए हैं, तो यहाँ पर संकेत जो मिल रहे हैं वो पॉजिटिव है। एजेक्सिटिव भी बढ़त पर कारोबार कर रहा है, लेकिन मूड थोड़ा सा बिगाड़ सकता है क्रूड, क्योंकि क्रूड में उबाल है। 3.5 साल की ऊंचाई पर ये पहुंचा है और इस हफ्ते खासतौर से क्रूड की दिशा पर नजर रहेगी, क्योंकि 12 मई को डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला करेंगे कि ईरान के अगेंस्ट कोई नई सैंक्शंस लगानी है या फिर नहीं, और यही असर रहेगा इस पूरी खबर का क्रूड पर इस पूरे हफ्ते। इसके अलावा बढ़ेगा एफएनडो ट्रेडिंग का समय। दरअसल सेबी ने अप्रूवल दिया है एक्सचेंजेस को आधी रात तक वायदा कारोबार करने का। अब देखना होगा कि एक्सचेंजेस पर क्या फैसला लेते हैं, क्या वायदा कारोबार का समय बढ़ेगा, लेकिन बाजार के लिहाज से महत्वपूर्ण खबर। आईसीआईसीआई बैंक एक दिग्गज बैंक जो आज नतीजे पेश करेगा और अनुमान है कि नतीजे खराब रह सकते हैं, मुनाफा 40% घट सकता है, प्रोविजनिंग बढ़ सकती है। तो ये तमाम वो चार बड़े फैक्टर्स जिस पर नजर रहेगी, लेकिन शुरुआत जो हम करेंगे वो विदेशी बाजारों से संकेत से करेंगे। सबसे पहले एजेक्स निफ्टी देख लेते हैं, बिल्कुल फ्लैट अभी ट्रेड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5 अंक ऊपर है। और तमाम एशियन मार्केट्स की अगर चाल भी देखेंगे तो वो भी मिले जुले ही ट्रेड कर रहे हैं, हालांकि अमेरिकी बाजार जोरदार तेजी के साथ बंद हुए हैं। एक नजर डाल लेते हैं क्रूड पर, उसके बाद सीधे चलेंगे मेरे सहयोगी संदीप के पास और उनसे समझेंगे ये यूएस मार्केट आपकी स्क्रीन पर 1 से 1.5% की बढ़त के साथ तीनों जो यूएस इंडाइसेस है वो बढ़कर बंद हुए, लेकिन क्रूड आप देखिए ब्रेंट क्रूड $75 के नजदीक और नाइमेक्स $70 के नजदीक ट्रेड कर रहा है। संदीप मेरे साथ है, संदीप गुड मॉर्निंग। क्रूड हालांकि यूएस मार्केट से तो अच्छे संकेत हैं, लेकिन क्रूड थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है आज। ये $75 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 12 मई को डोनाल्ड ट्रंप की जो फैसला है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल, काफी अहम है। और उससे पहले देखिए क्रूड में जो उछाल है वो देखने को मिला है शुक्रवार को। अगर आप देखें करीब 2% के आसपास ही गेंस क्रूड में देखने को मिले। अगर आप ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $75 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि नवंबर 2014 के बाद देखें यानी कि करीब 3.5 साल की ऊंचाई के आसपास ब्रेंट क्रूड में जो कीमतें हैं वो देखने को मिल रही हैं। और नाइमेक्स में करीब $70 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो अब देखने को मिल रहे हैं। जैसे आपने हाईलाइट किया, देखिए यूएस और ईरान के बीच में अब थोड़ी सी जो कश्मकश है वो चल रही है। 2015 में दरअसल ईरान का एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ था और उसको लेके हो सकता है कि शायद कुछ बदलाव करने पड़े ईरान को, ऐसे इंडिकेशंस ट्रंप दे रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें ईरान पर दोबारा पाबंदियां लगाने की जो बातचीत ना वो दरअसल इसीलिए है कि जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था उसमें बदलाव की मांग कर रहा है यूएस, लेकिन ये ईरान को मंजूर नहीं है। ईरान का जिस तरह का रुख है, कड़ा रुख है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, इस वजह से ये जो पाबंदियां हैं वो लगाई जा सकती है और इसके ऊपर 12 मई को फैसला आना है। और यही कारण है कि आप देखिए क्रूड को निचले स्तर से सपोर्ट मिल रहा है, जिस वजह से अब ब्रेंट क्रूड में $75 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। जितनी भी क्रूड इंपोर्ट करने वाली इकोनॉमी है भारत जैसी, ये उनके लिए काफी खराब खबर है, क्योंकि 3.5 साल की ऊंचाई पर क्रूड की कीमतें आ गई। लेकिन संदीप अगर अमेरिकन मार्केट्स का ट्रेंड देखें तो जोरदार तेजी के साथ बंद हुए, क्या वजह रही इस तेजी की और अभी तमाम एशियाई बाजारों का क्या ट्रेंड है? शायद दीपाली आप ज्वाइन कर रही हैं आज फिर से, इसीलिए शायद अमेरिकन मार्केट्स ने इसको सैल्यूट किया है। इनफैक्ट अमेरिकन मार्केट्स अगर आप देखें 2.25% तक के जो गेंस है वो यूएस के मार्केट्स में देखने को मिले। आईटी अगर आप देखें एक ऐसा पैक है जहां पे काफी अच्छे एक्शन देखने को मिल रहे हैं और इसको लीड कर रहा है एप्पल का शेयर जो कि रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। वॉरेन बफे जो कि काफी मशहूर इन्वेस्टर हैं, उन्होंने Q1 में करीब 7.5 करोड़ शेयर एप्पल के खरीदे हैं, उस वजह से आप देखिए एप्पल के शेयर में तो तेजी देखने को मिल रही है। बाकी तमाम जो आईटी स्टॉक्स हैं उनमें भी काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला, जिस वजह से 2.25% के गेंस अगर आप देखें यूएस के मार्केट में शुक्रवार को देखने को मिले और डाउ में 325 अंकों से ज्यादा की जो तेजी है वो देखने को मिल रही। इनफैक्ट जॉब्स रिपोर्ट भी आई थी, रोजगार के आंकड़े भी आए थे, उतनी नौकरियां नहीं जुड़ी हैं यूएस में जितना अनुमान था, लेकिन जो बेरोजगारी दर है उसमें कमी आई है, अनएक्सपेक्टेड था ये। और 18 साल के निचले स्तर पर बेरोजगारी दर पहुंच गया, हालांकि जो आली वेजेस हैं वो उतनी नहीं बढ़ी है, लेकिन जो एक्शन था वो पूरा आईटी के आसपास ही था। एप्पल का शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर, बाकी आईटी शेयरों को भी लीड कर रहा था, जिस वजह से यूएस में जबरदस्त क्लोजिंग देखने को मिली और उसी का इंपैक्ट आप देखिए आज एशियन मार्केट में देखने को मिल रहा है। निके ध्यान रखिए दीपाली, 2 दिन की छुट्टी के बाद वहां पर ट्रेडिंग शुरू हुई है, जिस वजह से आज थोड़ी सी कमजोरी है, लेकिन ओवरऑल जो बाकी मार्केट्स हैं एशियन मार्केट्स में अगर आप देखें तो जो टोन है वहां पे वो हल्का पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग है संदीप, क्योंकि हमने देखा था कि फ्राइडे को इंडियन मार्केट्स में आईटी स्टॉक्स टूट रहे थे और अमेरिका में आईटी स्टॉक्स चल रहे थे, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ मिली। आ रहा है कि आज देखना होगा क्या बिहेवियर रहता है, लेकिन जो भी संदीप ने अब तक बताया उससे 2 चीजें क्लियर है। एक तो
क्रूड पर नजर रहेगी, क्रूड थोड़ा सा मूड बिगाड़ सकता है, लेकिन अमेरिकी बाजारों से संकेत अच्छे हैं, एशियाई बाजार सुस्त हैं। शुक्रिया संदीप आपका ये क्यों समझाने के लिए। फटाफट से व्यूअर्स को बता देते हैं कि कैश मार्केट में क्या रुझान रहा है FISDIs का। फ्राइडे के सेशन में हमने देखा कि कैश मार्केट में FIIs की ओर से 1628 करोड़ की बिकवाली हुई है, लेकिन DIIs एक बार फिर से खरीदारी की तरफ ही रहे हैं और शुक्रवार के सत्र में करीब 1084 करोड़ की खरीदारी DIIs की ओर से की गई है। वायदा बाजार के अगर आंकड़े देखें तो F&O में FIIs ने 413 करोड़ की खरीदारी की है, और अगर हम ओवरऑल देखें तो कैश मार्केट में ठीक उनका जो ट्रेंड था वो बिकवाली की तरफ ही रहा था। लेकिन आज करना आपको क्या है, हर रोज की तरह हम बातचीत करते हैं, रणनीति आपको बताते हैं कि आपको निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर क्या करना है, अब ये जान लेते हैं रणनीति मार्केट्स पर आपको क्या रखनी है। सीधे बातचीत करते हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी गुड मॉर्निंग। अब ये बताइए, ये हफ्ता तो बहुत अहम है भारतीय बाजारों के लिए, कर्नाटक के चुनाव हैं, कई अहम नतीजे हैं, US में क्या होता है, क्रूड में क्या होता है, वो काफी अहम रहेगा, लेकिन एटलीस्ट आज की शुरुआत से पहले जो भी क्यूज आपने देखे, क्रूड की चाल देखी, अमेरिकन बाजारों की बढ़त देखी, क्या सेंस मिल रहा है, क्या करें आज ट्रेडर्स? गुड मॉर्निंग दिवाली। संकेत बुरे तो नहीं है, सिर्फ कच्चा तेल एक संकेत ऐसा है, उसके अलावा तो दुनिया भर के बाजारों से अच्छे संकेत है। अमेरिका में 300 पॉइंट से ज्यादा का जो उछाल हुआ वो भारतीय बाजारों की उम्मीद के विपरीत था, और उस लिहाज से एक अच्छी तेजी बननी चाहिए। एशिया की शुरुआत भी मिली जुली सी है, बुरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद निफ्टी अपने गेंस गंवाता हुआ दिखा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर भारतीय बाजार को खुलने तक एशियाई बाजार अभी जो है वैसा ही रहते हैं तब भी हम मजबूती के साथ खुलने चाहिए और ऊपर खुलने चाहिए, नीचे खुलने की फिलहाल कोई वजह नहीं है। और पिछले कुछ हफ्तों से कच्चे तेल पर भारतीय बाजारों का वो रिएक्शन सीधे सीधे नहीं आ रहा गिरावट के तौर पर जो आना जनरली आप देखते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि मौका खरीदारी का देखना चाहिए। लेकिन हाँ, 10600 बेहद अहम होगा, और अगर 10600 के ऊपर हम बने रहते हैं तो चिंता की बात नहीं है। 10600 से 10700 आज के लिए निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज हो सकती है, और वैसे भारतीय बाजारों के लिए डायरेक्शन का काम ICICI बैंक के नतीजे करेंगे जो शायद बाजार बंद होते हैं उसके बाद आते हैं, तो उससे ज्यादा एक संकेत मिलता हुआ दिखेगा। तो मेरा ये समझना है कि अगर कमजोर शुरुआत हो, कुछ शुरुआत हो, तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। बैंक भी ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत दिख रहा है, पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन से लगातार हरे निशान में बंद होता हुआ दिख रहा है, और वहां पर मजबूती ज्यादा बेहतर है। तो ऐसे में मुझे लगता है 25,500 बैंक निफ्टी पर बहुत मजबूत सपोर्ट है, आसानी से टूटेगा नहीं। ऊपरी स्तरों पर 25,800 के आसपास तक जाने की संभावना बैंक निफ्टी के लिए बनती है, तो बहुत चिंता की बात नजर आती नहीं है, हफ्ते की अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छी बात है, चिंता की बात नहीं, लेकिन एक चीज और बताइए अनिल जी, बैंक निफ्टी की आप बात कर रहे थे, आज ICICI बैंक के नतीजे भी आने हैं, स्पेसिफिक सेक्टर स्टॉक्स जिन पर खास फोकस करना चाहिए आज व्यूअर्स को? हाँ देखिए, दो कमजोर सेक्टर तो साफ है, जिस तरह से कच्चे तेल के दाम बढ़कर आए हैं उसको देखते हुए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों पर दबाव बनेगा, दूसरे एविएशन सेक्टर जो ऑलरेडी एयरलाइंस स्टॉक्स कमजोर दिख ही रहे हैं, वैसे भी कमजोर दिख रहे हैं, तो वहां पर तो थोड़ी मार पड़नी है। प्राइवेट सेक्टर ICICI के पहले थोड़े मजबूत होने चाहिए, बाजार को मजबूती मिलनी है तो प्राइवेट सेक्टर बैंक से मिलेगी और यही बाजार को ऊपर रखने का काम कर सकते हैं, तो ये एक बड़ा फैक्टर होगा। लेकिन देखते हैं आज कि सेबी ने फैसला लिया है कि 1 अक्टूबर से फ्यूचर्स में ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी रात को 12 बजे तक, देखते हैं उसको बाजार किस तरह से लेता है, थोड़ा मूड तो उस वजह से भी ढीला होना चाहिए। चलिए शुक्रिया अनिल जी ये व्यूज बताने के लिए। तो जैसा कि बताया अनिल जी ने कि निफ्टी यहाँ पर खरीदारी का नजरिया अपनाया जा सकता है, ट्रेडिंग रेंज जो आपको बताई गई उसका खास ख्याल रखें, आज के सत्र में जो ट्रेडिंग रेंज रह सकती है निफ्टी की वो 10600 के आसपास स्पेशली काफी इंपॉर्टेंट रहेगा लेवल, और 10700 की ट्रेडिंग रेंज हो सकती है। वहीं बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, और आज के लिए बैंक निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज है या फिर आने वाले कुछ सेशंस की जो ट्रेडिंग रेंज है वो 25500 से 25800 पर रह सकती है। डेफिनेटली रडार पर आज रहेंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एविएशन स्टॉक जो थोड़े से कमजोर हो सकते हैं, ICICI बैंक जिसके आज नतीजे आने हैं, IT स्टॉक्स पर भी खास ध्यान देना होगा क्योंकि शुक्रवार को हमने देखा था हेक्सावेयर के खराब नतीजों के बाद ज्यादातर IT स्टॉक्स में एक दबाव बना था। NIT टेक पर स्पेशली फोकस कीजिए, नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं और ब्रोकर हाउसेस ने अपग्रेड भी इसको किया है, तो हो सकता है आज कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स में बाइंग आज के सत्र में दिखे। लेकिन नतीजों के लिहाज से आपको बता दें 4 ऐसी कंपनियां हैं जो कि फोकस में रहने वाली हैं। ICICI बैंक सबसे पहला नतीजा जो कि आज आना है, 40% घटने का आशंका है कि मुनाफा 40% घट सकता है, तो नजर रहेगी अगर थोड़े से भी बेहतर आते हैं तो मूड बना सकता है ये बैंकिंग स्टॉक्स का भी और साथ ही बैंक निफ्टी का भी। प्रोविजनिंग स्लिपेजेस के आंकड़े खासतौर पर फोकस में रहेंगे। डीमार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्ट, यहां पर नतीजे अनुमान के मुताबिक आए हैं, इनफैक्ट थोड़े से बेहतर साइड पर आए हैं, तो शायद तेजी की तरफ ये स्टॉक रहे या फिर बढ़त की तरफ रहे क्योंकि मुनाफा 72% बढ़ा है और आय
भी करीब 22% बढ़ी है। टाटा केमिकल्स, इसके आज नतीजे आने हैं तो इस पर फोकस रहेगा, साथ ही टाटा इन्वेस्टमेंट के भी नंबर्स आ जाएंगे। तो ये दो टाटा ग्रुप की कंपनियां हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। और एक्साइड, ये एक स्टॉक रहेगा जो कि नंबर्स की वजह से आज एक्शन में रह सकता है। हालांकि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो एक्साइड का मुनाफा है वो करीब 11% बढ़ सकता है। तो ये चार वो कंपनियां, चार वो स्टॉक्स जो कि नतीजों के हिसाब से आज फोकस में रहेंगी। और इन्हीं नतीजों पर बातचीत करने के लिए मेरी सहयोगी पूजा मौजूद भी हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग। पहले तो आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बताइए, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आज? गुड मॉर्निंग दीपाली। आईसीआईसीआई बैंक स्ट्रीट काफी डिवाइडेड है नंबर्स को लेके, क्योंकि आरबीआई ने एनपीए को रिकॉग्नाइज करने के नियम में कुछ बदलाव किया था। तो उसको देखते हुए नए नियम के बाद ये माना जा रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक भी एक्सिस बैंक की तरह ही शायद जितने भी बैड एसेट्स हैं, जितने भी खराब लोन हैं, वो इस क्वार्टर ही शायद अपने बुक्स में इस क्वार्टर रिकॉग्नाइज कर ले एक्सिस बैंक की तरह। लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि स्ट्रीट डिवाइडेड, जैसे कि हमने बताया। और कुछ रिपोर्ट्स का तो ये भी मानना है कि इस बार आईसीआईसीआई बैंक लॉस भी पोस्ट कर सकती है। लेकिन हमारे पोल के मुताबिक प्रोविजनिंग में भारी बढ़त तो देखने को मिलेगी, करीब दोगुनी बढ़त प्रोविजनिंग के फ्रंट पर देखने को मिल सकती है। एक सहारा जो मिलेगा बैंक को वो ये रहेगा कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में कंपनी ने हिस्सा बेचा था, जिसके जरिए करीब 3,500 से 4,000 करोड़ कंपनी ने जुटाए थे। तो उसका कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर मिलेगा बैंक के मुनाफे में। लेकिन एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर नतीजों में दबाव बना ही रहेगा। और इस तिमाही नजर मैनेजमेंट की कमेंट्री पर ही होगी, क्योंकि यहां पर किस तरीके की प्रोविजनिंग के आंकड़े आते हैं, नए एनपीए की रफ्तार किस तरह की होती है, तो कमेंट्री इस क्वार्टर काफी इंपॉर्टेंट होगी आईसीआईसीआई बैंक के केस में। ठीक है, कमेंट्री डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगी। जैसे कि पूजा ने बताया भी, प्रोविजनिंग, एसेट क्वालिटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे। टाटा केमिकल्स के भी नतीजे आने हैं, एक अच्छी मिड कैप कंपनी है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? टाटा केमिकल्स के नतीजों की अगर बात करें तो यहाँ पर दो तीन फैक्टर्स हैं जहाँ पर ध्यान रखना चाहिए आपको। सोडा ऐश के दाम जो बढ़े हैं उससे कंपनी के आय और मार्जिन्स में बढ़त होने की संभावना है। लेकिन दूसरी तरफ फ्यूल कॉस्ट में भी इस बार बढ़त देखने को मिल सकती है। तो वो कहीं ना कहीं ये दो फैक्टर होगा जिनका की असर इम्पैक्ट मार्जिन पर देखने को मिल सकता है। लेकिन मोर और लेस हमारा अनुमान है कि मार्जिन के नंबर्स अच्छे ही रहेंगे। 16.2% के सामने ये जो आंकड़ा है ये 20% के आसपास देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यूरिया कारोबार जो कंपनी ने बेचा था उससे भी कंपनी ने रकम जुटाई थी और वहां से कंपनी के कॉस्ट में कमी भी देखने को मिलेगी। तो मार्जिन के फ्रंट्स पर, मुनाफे के फ्रंट्स पर अच्छे नंबर्स देखने की उम्मीद है टाटा केमिकल्स में। तो अच्छे नतीजे रह सकते हैं टाटा केमिकल्स के, और नजर रहेगी स्टॉक पर भी। शुक्रिया पूजा आपका ये दोनों नतीजे बताने के लिए। लेकिन आज और भी ऐसे स्टॉक्स हैं नतीजों के अलावा जो कि फोकस में रहेंगे, मोमेंटम कहां रहेगा ये अब जान लेते हैं। रुक कर लेते हैं स्टॉक न्यूज का। सुमित है हमारे साथ, गुड मॉर्निंग सुमित। काफी खुश लग रहा है आप, यानी ऐसा लग रहा है कि अच्छी खबरों वाले स्टॉक ज्यादा है आपके पास। बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, बहुत सारे वीकेंड्स पे नंबर आए हैं, बहुत न्यूज फ्लो है, अच्छी खबरें भी हैं, मिली जुली खबरें कह सकते हैं। लेकिन हाँ, बहुत बेहतर खबरों का रुझान ज्यादा है। शुरुआत कुछ नंबर से कर लेते हैं। अभी आप डीमार्ट की बात कर रहे थे, नंबर्स जो है वो मोर लेस अनुमान के आसपास ही आते हुए दिखाई पड़े हैं। मुनाफा 97 करोड़ से 167 करोड़ रुपया है, बहुत ज्यादा बुलिश थे बाजार में लोग, इसलिए नंबर्स उनके अनुमान तो थोड़े कम दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अच्छे नंबर्स हैं। और आय करीब 3120 करोड़ से 3820 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आई है। एनसीडीज को जरूर मंजूरी दी गई है बोर्ड की तरफ से, करीब 1500 करोड़ रुपए के एनसीडीज जो कंपनी है वो इशू करेगा, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करेगा। तो आप डीमार्ट पे ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा इंटेलेक्ट डिज़ाइन, इसके नंबर्स अच्छे आए हैं। कंपनी घाटे से मुनाफे के अंदर आई है, 24 से 25 करोड़ का घाटा था जिसके मुकाबले 32 करोड़ का मुनाफा इस तिमाही के अंदर पोस्ट किया है। और आय भी 136 करोड़ से बढ़कर 217 करोड़ रुपए आई है, तेजी की उम्मीद आप लगा सकते हैं इंटेलेक्ट डिज़ाइन के अंदर। इसके अलावा कुछ और नंबर्स क्या आते हैं तो वोखार्ट के भी नंबर्स आए हैं, घाटा थोड़ा सा कम हुआ है, करीब 174 करोड़ से घट के 154 करोड़ रुपए घाटा हुआ है। इबीटा घाटा जो है वो 170 करोड़ से घट के सीधे 30 करोड़ रुपए हुआ है, तो ये एक शार्प डिप जो है इबीटा घाटे में, ये पॉजिटिव फैक्टर कह सकते हैं। और आय भी 863 करोड़ से बढ़ के 1018 करोड़ रुपए आई है। एक खबर भी कंपनी साथ जुड़ी हुई है, कंपनी के बोर्ड ने डिबेंचर के को मंजूरी दे दी है, करीब करीब 1200 करोड़ रुपए डिबेंचर के जरिए रेस करने को मंजूरी है, और शेयर के जरिए करीब 1500 करोड़ रुपए रेस करने को मंजूरी दी गई है। तो फंड रेजिंग एक्टिविटी को मंजूरी है, नंबर्स ठीक ठाक है। वोखार्ट पे भी इन टोटल आप ध्यान दे सकते हैं, पॉजिटिव साइड पे थोड़ा सा असर शायद आ सकता है।
फोर्टिस के लिए ये वीक क्रूशियल है, 10 मई इनकी बैठक है। लेकिन उससे पहले दो खबरें आई हैं, एक तो IHH के जो एसेट्स हैं उसको RHT के जो एसेट्स हैं उनको खरीदने को बोर्ड की तरफ से मंजूरी आई है, और दूसरा मणिपाल ने भी अपना ऑफर रिवाइज किया है, 2100 करोड़ रुपये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में वो निवेश करेंगे और 160 रुपये के दाम पर निवेश करने की बात की है। तो फोर्टिस के ऊपर ये वीक ही पूरा क्रूशियल रहेगा, ध्यान दे सकते हैं आप। और साथ ही साथ वेल्सपन कॉर्प, आखिरी में एक खबर है कि 179 करोड़ का एक टैक्स नोटिस मिला है इन्हें 2009-2010 और 2010-2011 इन दोनों सालों के लिए इनको टैक्स नोटिस मिला है। तो आप ध्यान रखिए वेल्सपन कॉर्प पे, शायद थोड़ा प्रेशर आज बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। सुमित, आपका ये स्टॉक्स बताने के लिए जो कि आज फोकस में रहेंगे, वेल्सपन कॉर्प का यहाँ पर सुमित ने जिक्र किया, और भी ऐसे कई शेयर्स हैं जो कि आपके रडार पर रहने वाले हैं। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के उस पर ढेर सारा एक्शन है, इंपॉर्टेंट खबर है जो डिसीजन फ्राइडे को लिया है। बाजार बंद होने के बाद सेबी ने एक्सचेंजेस को वायदा कारोबार का समय बढ़ाने के लिए परमिशन दी है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। एक पोल जी बिजनेस ने कराया है वो आपके सामने रखेंगे, साथ ही मार्केट एक्सपर्ट्स की स्ट्रैटेजी क्या है इक्विटीज में कमोडिटीज में वो आपके लिए लेकर आएंगे, और साथ ही बताएंगे कि कौन से वो शेयर्स हैं जहां पर ब्रोकरेज हाउसेस खास ध्यान दे रहे हैं, जहां पर टारगेट्स बढ़ाए हैं घटाए हैं। आज की शुरुआत से पहले संकेत, यूएस मार्केट्स अच्छे हैं, एशियन मार्केट्स फ्लैट हैं। जो बातचीत अब तक हुई, हमने मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह से बातचीत की, उनका भी मानना यह है कि खरीदारी की जा सकती है, 10600 से 10700 की रेंज रह सकती है निफ्टी की। लेकिन एक इंपॉर्टेंट खबर जो कि वायदा बाजार से जुड़ी हुई है वो आपको बताते हैं। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद यह खबर आई, दरअसल सेबी ने डेरिवेटिव का जो समय है, जो कारोबार करने का समय है, उसको बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। यानी अब रात को 11:55 तक वायदा बाजार में ट्रेडिंग हो सकती है। अगर एक्सचेंजेस चाहें तो 1 अक्टूबर से ये ट्रेडिंग का समय बढ़ा सकते हैं। हालांकि अब इसके क्या मायने हैं, क्या ये कदम सही है या फिर नहीं है, इसको लेकर एक जी बिजनेस ने पोल किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने बहुत सारे ब्रोकर से बातचीत की, मार्केट के एक्सपर्ट से बातचीत की। सबसे पहला सवाल हमने यही पूछा कि जो ये समय बढ़ाने का फैसला लिया है सेबी ने, जो परमिशन दी है, क्या ये सही कदम है या फिर गलत कदम है। 47% ब्रोकर्स मार्केट एक्सपर्ट मानते हैं कि यह कदम सही है, 53% लोग ऐसे हैं जो कि मानते हैं कि यह कदम नहीं उठाना चाहिए था, यह गलत कदम है। यानी राय यहां पर ऑलमोस्ट आधी आधी बटी हुई है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह था कि अगर समय बढ़ा तो क्या निवेशकों को इससे फायदा पहुंचेगा या फिर नुकसान। 65% ब्रोकर्स बाजार के विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे फायदा पहुंचेगा, 35% हालांकि मानते हैं कि नुकसान होगा। यहां पर फायदा निवेशकों को पहुंचेगा, ये राय रखने वाले ब्रोकर्स और मार्केट एक्सपर्ट ज्यादा हैं। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल यह था कि आपने परमिशन तो दे दी है, लेकिन क्या बैंकिंग, क्या ब्रोकर्स, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ये अलाउ करता है, क्या पॉसिबल है कि 1 अक्टूबर से समय बढ़ा दिया जाए। यहां पर 82% ब्रोकर्स और बाजार के विशेषज्ञ मानते हैं कि नहीं, अभी इंफ्रा बैंकिंग पूरी तरह से इसे लागू करने के लिए तैयार नहीं है। 18% एक छोटा तबका ऐसा है जो मानता है कि हाँ तैयार है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि जो ब्रोकर्स का खर्च है वो बढ़ेगा या कमाई बढ़ेगी, तो यहां पर 18% लोग महज मानते हैं कि कमाई बढ़ेगी, वहीं 82% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि खर्च बढ़ेगा, जो ब्रोकर्स का खर्च है वो इससे करीब बढ़ेगा। तो ये 82% लोगों की राय है। अब ये सेबी ने अप्रूवल तो दे दिया, देखना होगा कि इस पर जो एक्सचेंजेस हैं वो क्या फैसला लेते हैं, बीएससी एनएससी की क्या राय इस पर रहती है। अगर आप दूसरे विदेशी बाजारों से अगर कंपेयर करें तो जो यहां पर परमिशन मिली है, और आमतौर पर वही ट्रेंड बाहर भी, आप देखिए यूएस मार्केट्स की अगर बात करें, सुबह के 1:30 तक वायदा बाजार में ट्रेडिंग होती है। जापान में निकाई पर सुबह 11:30 तक ट्रेडिंग की जाती है। तो यहां पर सभी जो ट्रेंड यहां पर सेबी ने अप्रूव किया है वो आमतौर पर विदेशी बाजारों में इतने ही घंटे ट्रेडिंग की जाती है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे एक्सचेंजेस पर क्या फैसला लेते हैं, लेकिन वायदा बाजार के कारोबारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये खबर है। हालांकि जो हमने पोल आपके सामने भी रखा था उसका, उनका ब्रोकर्स का मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना यही है कि अगर समय बढ़ता है, एक्सचेंजेस परमिशन देते हैं, तो निवेशकों को जरूर फायदा पहुंचेगा। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। ये तो चलिए एक महत्वपूर्ण खबर थी जो आपके सामने रखी, किन स्टॉक्स में आज आपकी कमाई हो सकती है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के डेरिवेटिव एनालिस्ट अरुण मंत्री मौजूद हैं। अरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए आपने कौन से स्टॉक्स आज पिक किए हैं। गुड मॉर्निंग। अगर देखें मार्केट में, अगर पिछले 3 दिनों से प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक सीमित दायरे में हमें लग रहा है कि निफ्टी काम करेगा, और निफ्टी के अगर अहम सपोर्ट की बात करें 10,550-10,580 एक अहम सपोर्ट रहेगा, और ऊपर में 10,700 एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। अगर निफ्टी की बात करें तो बायोन की स्ट्रेटेजी होगी 10,500 के स्टॉक से 10,700 का टारगेट रखें। और स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो हमें लग रहा है कि प्राइवेट बैंक्स और IT में एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है,
प्राइवेट बैंक में हमें लग रहा है कि इंडसइंड बैंक एक आउट परफॉर्मर रह सकता है। तो इंडसइंड बैंक में लॉन्ग करें, 1850 का स्टॉप लॉस लगाएं और 1955 का टारगेट रखें। और दूसरा स्टॉक होगा टेक महिंद्रा, इस स्टॉक में भी हमें लग रहा है कि लॉन्ग पोजीशन बनने के आसार लग रहे हैं। इसमें 649 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग करें और 690 का टारगेट रखें। ठीक है, तो यहाँ पर ये सजेशन आपको मिला है अरुण मंत्री की ओर से। टेक महिंद्रा एक स्टॉक है, निफ्टी पर भी इनके बाय कॉल है। टेक महिंद्रा पर भी तेजी करने की सलाह, 690 के टारगेट है, स्टॉप लॉस 649 का होगा और निफ्टी पर 10,700 का टारगेट है। कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स भी है, फटाफट से आप नोट कर लीजिए। आदित्य बिरला मनी, इनकी ओर से जो बाय कॉल आई है वो एक बार फिर से टेक महिंद्रा पर आई है। तो दो ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कि बोलिश है टेक महिंद्रा पर। यहां पर लक्ष्य 682 का है, 658 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा कॉल आदित्य बिरला मनी की ओर से अदानी पोर्ट्स का, यहां भी तेजी करने की सलाह है। 421 का लक्ष्य है, 399 का स्टॉप लॉस। अच्छी तेजी लेकर शुक्रवार को यह स्टॉक बंद भी हुआ था। इसके अलावा एक्सिस सिक्योरिटीज, इन्होंने पिक किया है वरुण बीवरेजेस, ब्रोकर हाउसेस का अपग्रेड, सीएलएस ने अपग्रेड किया स्टॉक को फ्राइडे को, एक जोरदार तेजी लेकर बंद हुआ 6% की। मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, 766 का लक्ष्य, स्टॉप लॉस 705 का है। और आखिरी कॉल जो है वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स, यहां भी तेजी करने की सलाह एक्सिस सिक्योरिटीज की ओर से। 255 का लक्ष्य रहेगा, 240 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो ये ट्रेडिंग कॉल्स है, लेकिन कमोडिटीज के लिए भी महत्वपूर्ण खबर है आज, वो ये है कि सेबी ने कच्चे तेल और चांदी में ऑप्शन ट्रेडिंग को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही जिंक और कॉपर में भी ऑप्शन ट्रेडिंग को मंजूरी मिली है। सेबी ने एमसीएक्स को इसके लिए हरी झंडी दे दी है और एमसीएक्स जल्द ही इन कमोडिटी में ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर देगा। फिलहाल सिर्फ गोल्ड और ग्वार में ऑप्शन ट्रेडिंग हो रही है, तो ये एक महत्वपूर्ण खबर कमोडिटीज के लिहाज से। लेकिन आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए इस पर भी बातचीत करते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के एनालिस्ट अमित सजेजा मौजूद हैं। अमित, गुड मॉर्निंग। पहले तो बताइए क्रूड पर क्या रणनीति है आज आपकी? जी देखिए, इस हफ्ते जो ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस का थ्रेट है उसके लेके उसके चलते हमने देखा था कि पिछले हफ्ते क्रूड में अच्छा खासा क्लोजिंग आया था। WTI क्रूड जो है NYMEX क्लोज टू $70 के करीब आया था और आज भी फॉर्म है। तो ब्रॉडली क्रूड में बाइंग की सलाह होगी, इंट्राडे बेसिस 4630 पे M6 पर बाय किया जा सकता है, अपसाइड में 4730 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो क्रूड पर तेजी करने की सलाह दे रहे हैं, 4730 का लक्ष्य, 4580 का स्टॉप लॉस। कोई और कमोडिटी जिस पर बेट करेंगे आज? जी आई थिंक लास्ट वीक के नॉन फार्म पेरोल डेटा के बाद में जो मिक्स आया था उसके चलते हमने गोल्ड में थोड़ा फर्मनेस आते हुए देखा है। तो इन स्तरों पे गोल्ड पे बाइंग की जा सकती है इंट्राडे बेसिस और 31,250 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। चलिए, शुक्रिया अमित आपका ये कमोडिटीज बताने के लिए। गोल्ड और क्रूड दोनों पर ही तेजी करने की सलाह दे रहे हैं अमित। लेकिन फटाफट से आपको बता देते हैं ब्रोकर हाउसेस के कुछ रिपोर्ट्स भी और साथ ही अंबुजा सीमेंट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। नतीजे आए हैं और नतीजों के बाद मैक्वायरी ने न्यूट्रल रेटिंग दी है, 242 से घटाकर, जो 300 से घटाकर लक्ष्य सीधे 242 कर दिया है। और क्रेडिट स्विस की भी एक रिपोर्ट आई है अंबुजा सीमेंट पर, वहां भी उन्होंने टारगेट को कट किया है, 240 पहले टारगेट तभी 202 का दिया है। तो दोनों हाउसेज ने लक्ष्य को कम किया है। डी मार्ट पर जेफरीज की होल्ड रेटिंग है और यहां पर जो लक्ष्य उन्होंने दिया है वो 1370 का दिया है, यानी मौजूदा प्राइस से नीचे का टारगेट दिया है। हेक्सावेयर नतीजे काफी खराब आए, स्टॉक 15% टूटा और आप देखिए रिड्यूस की रेटिंग आई है नोमरा की ओर से और 350 के टारगेट दिए हैं, 387 पर ये बंद हुआ था। तो हेक्सावेयर पर रिड्यूस की रेटिंग आई है नोमरा की ओर से। तो ये कुछ स्टॉक जो कि ब्रोकर हाउसेस के रडार पर रहे हैं आज के सत्र में।